प्रदेश में कल 17वीं लोकसभा चुनाव के आखिरी चरण का मतदान होना है। उत्तर प्रदेश में भी 7वें और अंतिम चरण कल यानी 19 मई को 13 सीटों पर मतदान होना है। अंतिम चरण के मतदान को लेकर प्रशासन ने सभी तैयारियां पूरी कर ली। वाराणसी लोकसभा सीट के उत्तरी, दक्षिणी, कैंटोनमेंट, रोहनिया और सेवापुरी विधानसभा क्षेत्र और चंदौली लोकसभा सीट के अजगरा और शिवपुर विधानसभा क्षेत्र में मतदान होना है। सातों विधानसभा क्षेत्र में मतदान कराने को जिला प्रशासन ने अलग अलग स्थानों से पोलिंग पार्टियां रवाना कर दी। आज वाराणसी लोकसभा और चंदौली लोकसभा की दो विधानसभाएं, कुल मिला के 7 विधानसभाओं की पोलिंग पार्टी रवाना हो रही है 7 अलग अलग जगह से। और आप देख सकते हैं कि लोग अपना नया ड्यूटी लेटर लेके अपने ईवीएम काउंटर पर जा रहे हैं, अपना सामान और ईवीएम जो बीयूसीयू वीवीपैट लेके जा रहे हैं। इसके पश्चात वो अपने सेक्टर मजिस्ट्रेट से मिल रहे हैं और थोड़ी देर में मुझे यकीन है 12 से 1 बजे के बीच में हमारी सारी पोलिंग पार्टियां यहाँ से रवाना हो जाएंगी और उसके बाद अगले 1 से 1.5 घंटे में सभी पोलिंग पार्टियां अपने गंतव्य स्थल यानी मतदेय स्थल पर पहुँच जाएंगी। मतदेय स्थल पूरी तरह से तैयार है, वहाँ वोटिंग कंपार्टमेंट लगे हुए हैं, बिजली, पानी, फर्नीचर, शौचालय, ये सारी शेड, इन सब की व्यवस्था वहाँ पहले से ही मौजूद है। और कल सुबह 6 बजे मॉक पोल शुरू होगा और 7 बजे से एक्चुअल पोल शुरू हो जाएगा और शाम को 6 बजे तक ये मतदान चलेगा। अगर 6 बजे कुछ लोग लाइन में होंगे तो उनको पर्ची देके मतदान कराया जाएगा। वहीं आगरा की मंडी समिति से भी पोलिंग पार्टियों को रवाना किया गया। मतदान के लिए प्रयोग होने वाली ईवीएम मशीनों को स्ट्रांग रूम से निकालकर मतदान कर्मियों को सौंपा गया, जिसकी जांच के बाद पोलिंग पार्टियां बस द्वारा अपने मतदान केंद्र के लिए रवाना हो गई। बता दें कि इस उपचुनाव में 12 प्रत्याशी मैदान में हैं। आगरा के उत्तर विधानसभा क्षेत्र में होने वाले उपचुनाव के लिए 92 मतदान केंद्र और 438 बूथ बनाए गए। इस चुनाव प्रक्रिया को पूरा कराने के लिए 25 माइक्रो ऑब्जर्वर, 32 सेक्टर मजिस्ट्रेट और 4 जोनल मजिस्ट्रेटों की ड्यूटी लगाई गई। इस विधानसभा में कुल मतदाता 4 लाख के करीब है। वहीं मतदान केंद्र पर सुरक्षा के भी पुख्ता इंतजाम किए गए। किस तरह की तैयारियां हैं और आज पोलिंग पार्टी रवाना हो रही है, कितने मतदान केंद्र बूथ हैं? हमारे कुल 438 बूथ हैं और 92 मतदान केंद्र हैं, जिसके लिए 382 पोलिंग पार्टी हमारी रवाना हो चुकी हैं और व्यवस्था बिल्कुल चुस्त दुरुस्त है। जो भी पीछे कमियां थी उसको दुरुस्त कर लिया गया है, किसी भी तरह की कोई कमी नहीं है। सुरक्षा व्यवस्था बिल्कुल ठीक है और हर लेवल पे पुलिसकर्मी तैनात हैं। उधर गाजीपुर में चुनाव को लेकर आरटीआई मैदान सहित कई स्थानों से पोलिंग पार्टियों को मतदान संबंधित सभी सामान ईवीएम और वीवीपैट देकर रवाना किया गया। बता दें कि गाजीपुर लोकसभा का चुनाव पूर्वांचल में अपना एक अलग स्थान रखता है। दरअसल इस सीट पर भारत सरकार के मंत्री मनोज सिन्हा भारतीय जनता पार्टी से प्रत्याशी हैं, तो दूसरी ओर उनके मुकाबले में माफिया और बाहुबली मुख्तार अंसारी के बड़े भाई अफजल अंसारी चुनाव लड़ रहे हैं, जो 5 विधानसभा चुनाव के साथ ही एक बार सांसद भी रह चुके हैं। जनपद में कुल 2949 बूथ है, 253 सेक्टर्स में बटा गया है और हमारा मतदान कार्मिक सब अपने अपने सामग्री ले रहे हैं। लगभग 80% सामग्री ले चुके हैं, अपनी गाड़ियों में बैठ के अपने मतदान स्थल की प्रस्थान कर रहे हैं और पर्याप्त संख्या में हम लोगों ने मशीन्स रखे हैं रिजर्व के रूप में। यदि कोई खराबी आ रही है तो तुरंत हम लोग उसको हैंडल कर सकते हैं और सुरक्षा के दृष्टिगत हम लोगों को पर्याप्त संख्या में बाहर से पैरामिलिट्री फोर्स मिला हुआ है और आर्म्ड पुलिस भी मिला हुआ है और होमगार्ड्स भी पर्याप्त संख्या में मिले हैं। प्रत्येक थाने में क्लस्टर मोबाइल्स भी लगा हुआ है। बिल्कुल शांतिपूर्ण तरीके से एक अच्छे से चुनाव जरूर संपन्न होगा। मिर्जापुर में अंतिम चरण के मतदान के लिए पॉलिटेक्निक से पोलिंग पार्टियां रवाना हो गई। जिले में मतदान को लेकर सभी पार्टियां पूरी कर ली गई। आज पॉलिटेक्निक मैदान से प्रशासनिक अधिकारियों की मौजूदगी में मतदान के लिए बूथ पर पोलिंग पार्टियां रवाना हुई। मतदान के लिए करीब जिले में 2079 पोलिंग पार्टियां बनाई गई और करीब 1280 मतदान स्थल बनाए गए, जिसमें संवेदनशील 83 केंद्र, अति संवेदनशील मतदान केंद्र 106 है। मतदान को सकुशल संपन्न करवाने के लिए जिले को 21 जोन और 145 सेक्टर में बांटा गया, जहां पर जोनल मजिस्ट्रेट तैनात किए गए। तो कितनी पोलिंग पार्टियां यहां से रवाना हुई, कितना कुल मतदेय स्थल है, मतदान केंद्र, क्या सुरक्षा की व्यवस्था है, किस तरीके से यहां से रवाना किया जा रहा है? हमारे जनपद में कुल 2089 बूथ हैं, तो 2089 पोलिंग पार्टियां बनी हुई हैं और 1280 मतदान केंद्र हैं। जो हमारे 2 या 2 से अधिक बूथ वाले मतदान केंद्र है उसमें हमारी केंद्रीय सशस्त्र बल लगा हुआ है। हमारे 106 क्रिटिकल बूथ हैं, उन सब पे CAPF लगी हुई है, वहाँ हमारे स्टेटिंग मजिस्ट्रेट लगे हुए हैं और हमारे माइक्रो ऑब्जर्वर लगे हुए हैं।
कुल 261 मतदान केंद्र हैं जो वल्नरेबल या क्रिटिकल या नक्सल प्रभावित इलाके में हैं, उन सब पर केंद्रीय पैरामिलिट्री फोर्स लगी हुई है। वहीं कुशीनगर जिले में मतदान को लेकर पोलिंग पार्टियां जिला मुख्यालय से रवाना हुई। लोकसभा 2019 चुनाव का ये आखिरी चरण का मतदान होना है, ऐसे में जिला मुख्यालय पर मतदान कर्मियों की भीड़ सुबह से ही इकट्ठी हो गई थी। प्रशासन ने अंतिम चरण के चुनाव को देखते हुए सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम किए गए। जी सर, बताएं कि चुनाव के दृष्टिकोण से मतदान होना है, क्या क्या व्यवस्था की जाए? जनपद कुशीनगर में कल मतदान दिवस है और इस मतदान दिवस पर निर्वाचन को सकुशल संपन्न कराने के उद्देश्य से, भयमुक्त वातावरण में संपन्न कराने के उद्देश्य से पुलिस के व्यापक बंदोबस्त कर लिए गए हैं। मतदान केंद्रों पर CAPF, स्टेट आर्म पुलिस, PAC और सिविल पुलिस के काफी बड़ी संख्या में बल तैनात किए गए हैं। जितने भी महत्वपूर्ण संवेदनशील, वल्नरेबल और क्रिटिकल मतदान केंद्र हैं उन पे अतिरिक्त पुलिस बल का व्यवस्थापन किया गया है। बहुत संख्या में मोबाइल्स का गठन किया गया है जो प्रत्येक 8 से 10 मिनट के अंदर पर प्रत्येक मतदान केंद्र पर पहुंच सकेगी, लगातार भ्रमणशील रहेगी। सेक्टर पुलिस ऑफिसर, सेक्टर मजिस्ट्रेट, जोनल मजिस्ट्रेट, जोनल पुलिस अफसर और सुपर जोनल मजिस्ट्रेट और पुलिस अफसर नियुक्त किए गए हैं और जिला नियंत्रण कक्ष को सशक्त किया गया है जिससे किसी प्रकार की किसी घटना को हम तुरंत अटेंड कर सकें। लोकसभा चुनाव 7वें चरण के अपने आखिरी पड़ाव पर पहुंच चुका है। उत्तर प्रदेश के लिहाज से ये चरण इसलिए भी महत्वपूर्ण है क्योंकि इस चरण में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के लोकसभा क्षेत्र वाराणसी से लेकर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की गढ़ गोरखपुर तक और साथ ही प्रियंका गांधी जैसे दिग्गजों के साथ दांव पर है। 7वें चरण का चुनाव मतदान के लिहाज से इस इलाके में वोट और सीट का समीकरण जानना बेहद दिलचस्प होगा। इन सीटों में से ज्यादातर सीटें देश की राजनीति के लिए बहुत अहम मानी जा रही है। ब्यूरो रिपोर्ट, पंजाब केसरी TV।